अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, आप सबका बहुत थैंक यू जो मेरे चैनल को न्यूली सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो पहले से देख रहे हैं उनका तो डबल थैंक यू। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को शुरू से ही देख रहे हैं, और आपको पता होता है कि कौन आपका चैनल शौक से देख रहा है और कौन नहीं, जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं। तो खैर, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक छोटी सी सेलिब्रेशन फादर्स डे को लेकर। तो एज यू गाइस नो कि मेरे तो फादर इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल उनकी यादें हैं, और आज सारा दिन ही उनका बहुत मुझे ख्याल आया। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब उनका ख्याल ना आए, और आप उनको अपनी दुआओं में याद ना रखो और उनके लिए दुआएँ ना करो। तो बस ऐसा जब कुछ इवेंट होता है, कुछ डे होता है, तो आपको ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं और याद आ रही होती हैं। तो बस अभी हानिया तो स्कूल चली गई थी, और उसके बाद मैं सेट करी थी ये टेबल फॉर हानिया एंड अमल्स फादर। गाइस, वैसे तो कोई भी डे मदर्स डे फादर्स डे नहीं होता, एवरी डे इज़ फादर्स डे एंड एवरी डे इज़ मदर्स डे, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए कोई भी एक दिन मखसूस नहीं होता। बस ये एक बहाना होता है कि चीज़ों को छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए, और घर में एक छोटा सा अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाए, और आपकी रूटीन के से हट के कोई छोटी सी आप डेकोरेशन कर लो या कोई चीज़ चेंज कर लो घर में, तो उससे भी आपको हैप्पीनेस हो रही होती है, यू फील रियली गुड। और कोई उदासी हो रही होती है, तो मैं तो यूजली इस तरह की कुछ काम में लग जाती हूँ ताकि माइंड उस तरफ भी ना जाए ज़्यादा। तो खैर, अभी मैं आपसे अपने फादर के साथ जो मेरी थोड़ी सी मेमोरीज़ की जो मेरे पास पिक्चर्स थी वो भी शेयर करूँगी। तो खैर, यहाँ पे मैंने टेबल को सारा क्लीन करके इसके ऊपर मैं ये मैट सेट करी हूँ, और ग्लास होल्डर के लिए ये ग्लास हैं। तो इसके बाद देखते हैं, फ़िलहाल आप ये देखें मेरे फादर के साथ मेरी मेमोरी। ये थी कुछ थोड़ी सी मेमरीज। अभी तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ पिक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ मेमरीज टू शेयर विथ यू ऑल। इंशाल्लाह जो मेरे कमिंग ब्लॉग्स होंगी उसमें मैं अपनी बचपन की पिक्चर्स और बचपन की जो यादें हैं मेरे डैडी के साथ वो भी शेयर करूँगी। शायद आप लोगों को पता हो, या जो लोग न्यू फॉलोअर हैं उनको ना पता हो कि मैं तो एक ही बेटी थी अपने डैडी की, और मेरे माशाल्लाह तीन भाई हैं। तो और बस सबकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं डैडी के साथ ही अटैच थी हमेशा से ही, क्योंकि डैडीज़ के साथ आपका जो बॉन्ड होता है ना, बाप बेटी का जो रिलेशन होता है, वो एक बेटी और बाप ही जान सकते हैं। नो वन कैन नो दिस फीलिंग इन द वर्ल्ड। वेल, जो बाप बेटी का रिलेशन होता है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यू गाइज नो वेरी वेल। आप लोगों के फादर जिनके सलामत हैं, अल्लाह करे वो सलामत रहें अपने बच्चों के साथ और हमेशा खुश रहें। तो बस टेबल सेट करके मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे कुछ यूँ हुआ कि आई वॉज ट्राइंग टू मेक ग्रेजिंग बोर्ड, जो कि आजकल बड़ा मज़े का ट्रेंड चला हुआ है। यूट्यूब पे भी यूजुअली वॉच, इंस्टा पे भी आई यूजुअली वॉच वीडियोज़ अबाउट दैट। तो मेरे पास जो जो भी चीज़ें थी, आई कलेक्टेड दैट, आई यूजुअली गो फॉर द इंग्रेडिएंट्स एंड मेक न्यू थिंग्स। तो मेरे साथ यूजुअली यही होता है कि मैं जो भी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल हों, कोई रेसिपी ट्राई करनी हो, वो भी मैं इसी से कर लेती हूँ। तो बस आज कुछ स्पेशल करना था, तो मैंने कहा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो हुआ ये कि मैंने एक ट्रे सा निकाला, तो चीज़ें माशाल्लाह ज़्यादा हो गई और ये ट्रे छोटा हो गया। तो इसको जब मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया, आई थॉट कि मैं इसको शेयर नहीं करती, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, शेयर कर देती हूँ, इट्स ऑल ओके। काफ़ी सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हो, तो कोई बात नहीं, आई कैन शेयर विद माई यूट्यूब फैमिली। तो इस पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर भी दी थी, लेकिन अभी पास्ता भी मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था, वो इसमें जब मैं सेट करने लगी तो मैंने कहा ओह, इसमें तो स्पेस ही नहीं है। तो आई जस्ट रिप्लेस दैट ट्रे विद द वन न्यू डिश। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे चिकन सैंडविचेस, साथ में थे केक और कुछ फ्रूट एंड सम बिस्किट्स और पास्ता। तो ये सारी चीज़ें सीरियसली इट ओनली टुक 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, क्योंकि पास्ता भी मैंने ऑलरेडी आज बनाया हुआ था, तो आई थॉट कि उसको इसी में ही सेट कर देती हूँ।
तो बस ये आ गया था एक मज़े का ट्रे, और इसमें मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर दी थी। यूजुअली जो ग्रेजिंग बोर्ड होता है वो तो बोर्ड होता है, तो मैंने इसको ट्रे की फॉर्म में इसको सेट कर दिया। तो लिटिल चेंजेस मेक यू मतलब वेरी हैप्पी एंड यू फील रियली गुड कि आपने कुछ अच्छा सा काम किया है। और आज फादर्स डे भी था तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों के डैडी के लिए कुछ अच्छा सा करती हूँ और इसको अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बस यहाँ पर सेटिंग चल रही थी इस बोर्ड की, और साथ ही साथ मुझे अपने डैडी भी बहुत याद आ रहे थे। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे डैडी को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और स्पेशल स्पेशल नाम लेके आबिद हुसैन के नेम से मेरे डैडी को बहुत याद रखिएगा। और जिन जिन के भी फादर सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप लोग हमेशा खुश रहें, इन्जॉय करें और ऐसे ही हंसते बसते रहें, क्योंकि जब लोग चले जाते हैं दुनिया से तो उनकी कमी को कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। और बस फिर इस तरह अच्छी यादें ही होती हैं जिनके सहारे आप रह रहे होते हैं। हानिया, कौन सा गिफ्ट लिया आपने डैडी के लिए? दिस वन यू विल गिव टू डैडी एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। वेरी गुड, थैंक यू। वो उधर लेटी हुई है। गाइस बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप सबने इन्जॉय की होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और न्यू वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू ब्रिंग वन न्यू कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड, और सब खुश रहें, आबाद रहें, और सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।